7 करोड़ रुपयों से ज्यादा की लॉटरी लेने स्क्रीम मास्क पहनकर पहुंचा शख्स, बताई ऐसी वजह। जमैका में एक शख्स ने 7 करोड़ से ज्यादा की लॉटरी जीती है, लेकिन लॉटरी लेने के लिए वह स्क्रीम मास्क पहनकर पहुंचा। इसके पीछे की वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति ने बताया कि यह मास्क पहनने के बाद कोई ये नहीं जान पाएगा कि लॉटरी मिलने वाला शख्स दिखता कैसा है, जिससे कोई चोरी नहीं कर सकता। चेक लेने पहुंचे इस व्यक्ति की कई फोटो इंटरनेट पर वायरल हो रही है। इस व्यक्ति का नाम ए कैंपबेल बताया जा रहा है, जिसने 158 मिलियन जमैकन डॉलर की लॉटरी जीती। यह राशि भारतीय रुपए में करीब 7 करोड़ 78 लाख रुपए होगी। व्यक्ति को यह लॉटरी सुप्रीम वेंचर्स सुपर लोटो में भाग लेकर मिली। एसटी लूसी अनूज के मुताबिक कैंपबेल ने लॉटरी की इनामी राशि का चेक मंगलवार सुबह प्राप्त किया। लॉटरी जीतने वाले शख्स ने बताया कि इन पैसों से मैं एक नया घर खरीदूंगा। मेरा एक छोटा सा बिजनेस है जिसमें निवेश करके उसे बड़ा बनाऊंगा। कैंपबेल की फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं और लोगों इसकी कॉस्ट्यूम को काफी पसंद कर रहे हैं। पिछले साल भी सुप्रीम वेंचर के एक लॉटरी जीतने वाले ने अपना चेहरा छुपाने के लिए विंक फेस इमोजी मास्क पहना था।